और आज हम बात कर रहे हैं कि टूटे हुए परिवार के प्रभाव और दर्द से हम कैसे उभर सकते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, ये आसान नहीं है। अगर आपकी परवरिश ऐसे टूटे हुए परिवार में हुई है तो बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। उसका असर, उसका प्रभाव, उसकी पीड़ा, उसका दर्द आप पर हावी हो सकता है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर की मदद से हम इन प्रभावों से और दर्द से उभरेंगे। हम अक्सर टूटे परिवार के बच्चों की कहानी सुनते हैं और वो ऐसा होता है कि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं थे, वो व्यस्त थे, वो बिल्कुल बिजी हो गए थे अपने लाइफ में। दोस्तों, आजकल एक नया टर्म आया है ना, फेस टाइम। इसका मतलब जितना टाइम हम मोबाइल को देखते हैं उतना फेस टाइम उसको काउंट किया जाता है। हम अपने बच्चों को फेस टाइम दें, वो हमें देखे, हमें सुने, हमारे प्यार को महसूस करे, तभी हम एक मजबूत परिवार बना पाएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो टूटे हुए परिवार से आते हैं, शायद आपकी कहानी है याबेस की तरह, शायद आपकी कहानी है ईसा की तरह, या फिर आपकी कहानी है इश्माइल की तरह। शास्त्र में आप जानते हैं कई सारी कहानियां हैं जो टूटे परिवारों की कहानी है, और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हर बच्चे को अपने प्रेम से भरा, उन्हें चुना, उन्हें एक उज्जवल भविष्य दिया। आपके लिए भी दोस्तों एक बड़ी आशा है। क्या आप जानते हैं कि भले आपका परिवार जहाँ से आप आए हैं वो टूटा हुआ है, लेकिन जिस क्षण में परमेश्वर को आपने अपनाया, आप एक नए परिवार में शामिल हुए हैं। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का परिवार, वो हम जिसे पिता कहते हैं, यीशु हमें भाई कहता है, दोस्त कहता है, एक नए रिश्ते में हम जुड़े हैं। कलीसिया जो है ये परमेश्वर का परिवार है। देखिए शास्त्र क्या कहता है, 1 पत्रस का 2 अध्याय और 17वां वचन। 1 पीटर 2:17 says, शास्त्र कहता है, सब मनुष्य का सम्मान करे, भाई बहनों से प्रेम रखे, परमेश्वर पर श्रद्धा रखे और सम्राट का सम्मान रखे। दोस्तों कितना खूबसूरत वचन है ना। ऐसे कई वचन है शास्त्र में जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम एक नए परिवार का हिस्सा है। शायद जो बीत गया उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हमारे पास उम्मीद है। हम अब परमेश्वर के पास आए हैं जो हमारा पिता है, जो हमें एक नए परिवार में शामिल करता है। आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे आपके नजदीकी कलीसिया का हिस्सा आप बन सकते हैं। एक और परिवार है जिसका आप हिस्सा है, वो है एक नई जिंदगी। है ना दोस्तों, एक नई जिंदगी, हम मानते हैं हम एक परिवार है। जो हमारे दर्शक है वो हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं, हर दिन हम आपको एक दूसरे को देखते हैं, और हमें यकीन है कि आप हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने दुख दर्द गम को बांट सकते हैं, और हम आपके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो निराश मत होइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक उज्जवल भविष्य की आशा रखी है। जी बिल्कुल, हम सब एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा हैं। और दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, तो आप हमें कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमें इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डायरेक्ट चैट या फोन कॉल के द्वारा आप प्रोफेशनल काउंसलिंग पा सकते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात कर आपके लिए प्रार्थना करके।